मैंने एक अनाथ लड़की से शादी कर ली थी। उसकी एक बहन भी थी जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी, और वो शादी के बाद मेरी पत्नी के साथ ही मेरे घर आ गई थी। लेकिन उसकी बहन पूरे समय मेरी पत्नी से ही चिपकी रहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था उस पर, क्योंकि रात को भी वो हमारे कमरे में हमारे साथ ही सोती थी। एक दिन जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपनी पत्नी पर नाराज हो गया, और उस रात जब उसकी बहन हमारे कमरे में सोने के लिए आई तो मैंने जबरदस्ती उसे किसी दूसरे कमरे में जाकर बंद कर दिया और फिर अपने कमरे में वापस लौट आया। अंदर जाकर देखा तो मेरी तो मानो जान ही निकल गई हो, क्योंकि वहां तो अपनी शादी की रात जब मैं अपने कमरे में आया तो बेहद खुश था। अपनी पत्नी की मुंह दिखाई के लिए एक बेहद कीमती तोहफा भी खरीदा था मैंने, और एक प्यार भरा तोहफा भी लेकर आया था। जानते हैं क्या? गजरे। मैं जानता हूं कि ज्यादातर लड़कियों को गजरे बहुत पसंद होते हैं और वो उसे तोहफे में पाकर बहुत खुश हो जाती है। मुझे उम्मीद थी कि मेरी पत्नी को भी ये बेहद पसंद आएगा। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मैं तो चौंक गया। सामने का नजारा बेहद डरावना था। मेरी बीवी की बहन उसके साथ चिपक कर बैठी हुई थी और लगातार रोई जा रही थी। उसका रोना कोई सामान्य रोना नहीं लग रहा था मुझे। मुझे देखकर उसकी बहन बेहद परेशान हो गई। उसकी बहन का नाम सोनम था। मेरी पत्नी जिसका नाम निशा था, निशा ने उसी समय अपनी बहन को डांटकर चुप कर दिया। मैं आगे बढ़ा और निशा की बहन के पास जाकर उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। निशा से पूछा कि इसकी तबीयत तो ठीक है ना, ये इतना ज्यादा क्यों रो रही है। निशा मुझसे कहने लगी कि ये बस ये सोचकर ही परेशान हो रही है कि आज से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ, इसे लग रहा है कि इसका क्या होगा, बस यही सोच कर इसका मन दुखी हो रहा है। मैंने उसी समय निशा की बहन के सर पर हाथ रखा और उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम निशा की बहन हो तो तुम मेरी भी बहन ही हो। तुम आज से हमारे साथ यहीं रहोगी, तुम्हें किसी तरह की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। निशा कहने लगी कि समर ये बात तो मैं उसको बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रही। अभी छोटी बच्ची भी तो है ना, उतनी समझ नहीं है इसमें, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। निशा थोड़ी डरते डरते सी बोली कि मैं आपसे एक बात पूछूं। मैंने कहा हाँ पूछो ना। तो वो कहने लगी कि अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आज अपनी बहन को यहीं अपने कमरे में सुला लूं, या फिर जब तक ये संभल नहीं जाती तब तक ये मेरे साथ सो जाएगी और उसके बाद फिर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन जब से मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए हैं तब से ये बेहद संवेदनशील हो गई है, जरा जरा सी बात पर बहुत परेशान हो जाती है और फिर इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, मैं हॉस्पिटल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मैं निशा की बात बहुत अच्छे से समझ गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर अपनी बहन के साथ सो जाओ और मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। उसी समय निशा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक विनती और है, मैं आपसे करना चाहती हूँ कि प्लीज किसी को भी घर में ये बात पता मत लगने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही इसको इस घर से कंफर्टेबल कर दूंगी, जिससे ये अपनी जिद छोड़ देगी। मैंने मुस्कुराकर निशा को कहा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ तुम्हारे हालात, वैसे भी सारे मेहमान कल तक तो यहाँ से चले ही जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में बचेंगे, तुम आराम से सो जाओ, मैं कमरे से बाहर चला गया। मैं उस समय सोनम को तसल्ली देकर आया था, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं ये बात भी चुभ रही थी कि क्या मेरी जिंदगी की खुशियों के बीच उसकी बहन हमेशा इसी तरह बाधा बनी रहेगी, कहीं मैंने भलाई करने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करके मैंने अपने मन से इस तरह के नकारात्मक विचारों को निकालना चाहा। कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता था कि बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, जल्दी से हर चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, उनको परेशानी होने लग जाती है अगर उनका कोई भी अपना किसी और के करीब जाने लगे या उससे ज्यादा बातें करने लगे। धीरे धीरे मैं निशा की बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था, वो बेहद मासूम और डरी सहमी सी लड़की थी, मुझे उस पर कभी कभी दया भी आती थी। सोच सोच कर मन चिंतित हो जाता था कि ना जाने इसने अपनी जिंदगी में क्या क्या सहा होगा जो ऐसी बन गई है। अपनी बहन की तुलना में निशा का व्यक्तित्व बेहद जानदार था, वो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को मुस्कुराकर संभाल लेती थी। मेरी शादी को हफ्ते भर से ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी निशा की बहन उसके साथ ही सोती थी और मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। कुछ दिन रुककर मैं निशा की बहन के लिए एक स्कूल बैग लेकर आ गया, पर किताबें नहीं लाया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ती है।
जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि निशा घर के कामों में व्यस्त थी और सोनम को उसके सामने ही चारपाई पर बिठा रखा था, जहां से वो उसे देख रही थी। मैं अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान लेकर निशा की बहन के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। निशा ने जब मुझे उसके पास बैठे देखा तो वो उसी समय मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे, लेकिन मैंने उस समय कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और मैं सोनम से बातें करने लगा। मैं निशा की बहन से कहा कि बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मुझे देखते ही वो जोर जोर से रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ कि वो हमेशा ऐसा क्यों करती है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जब मुझे इस बात का जवाब मिलेगा तो मुझे कितना बड़ा झटका लगने वाला है। मेरा तो पूरा व्यक्तित्व उस दिन हिलकर रह गया था। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ, तुमने तो देखा भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरी आवाज को सुनकर वो और ज्यादा डरने लगी। मैंने सवाल भरी नजरों से निशा की तरफ देखा। मैं उससे पूछना चाहता था कि आखिर वो इस तरीके का व्यवहार क्यों करती है, पर आज निशा का व्यवहार भी थोड़ा अलग था। वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि समर आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरी बहन से थोड़ा दूर ही रहें। मैं जानती हूँ कि आप मेरे पति हैं, लेकिन इसके लिए तो आप एक गैर मर्द ही है ना, इसलिए आप इसको अपने पास बुलाया मत करिए। आज मुझे निशा की बात बेहद बुरी लग रही थी। ये क्या तरीका था बात करने का, मैं तो उसे अपनी छोटी बहन ही समझ रहा था, लेकिन निशा का व्यवहार आज बहुत परेशान कर देने वाला था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में उसे कहा कि निशा अगर तुम्हें अपने और गैर का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर लेकर आई ही क्यों हो। इतना कहकर मैंने गुस्से से दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। आज मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। कुछ देर बाद रह रहकर अपने कठोर व्यवहार पर शर्मिंदगी भी हो रही थी कि निशा ने मुझे जबरदस्ती नहीं कहा था कि मैं उसकी बहन को लेकर आऊं। मैंने ही उसे कहा था कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, फिर मुझे निशा को ताने देने का कोई हक भी तो नहीं था। मेरी सहमति से ही तो वो अपनी बहन को इस घर में लेकर आई थी। वैसे भी इस घर में हम तीन लोग ही रहते थे। जब तक निशा इस घर में नहीं थी, उससे पहले तो इस घर में हमेशा खामोशी और सन्नाटा ही रहता था। सालों गुजर गए मेरे माँ बाप के देहांत को। उनके गुजर जाने के बाद से जिंदगी ने मुझे तो मानो एक कड़ी धूप मिलाकर खड़ा कर दिया था। पूरे घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई थी। मैं कुवारा था और इस घर में अकेला ही रहता था। आप लोग तो जानते हैं, उस समय तो कोई काम वाली भी मेरे घर पर नहीं आना चाहती थी, कोई काम करने को तैयार ही नहीं होती थी। वो तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो किसी को जानता ही नहीं था, तो मैंने उसे ही कहा कि अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताना। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि उसके रिश्तेदारी में एक अनाथ लड़की है जो दहेज में सिर्फ इनाम ही लेकर आएगी। मैं तो हैरान रह गया उसकी बातों को सुनकर। मैंने उससे पूछा, इनाम कैसा इनाम? तो उसने मुझे बताया कि निशा की एक छोटी बहन है जो उसके साथ ही घर आएगी। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने का खर्चा उठा लेना, तुम तो वैसे भी अब अच्छा कमाते हो, और फिर तुम तो जानते ही हो लड़कियों को जवान होने में टाइम ही कितना लगता है, अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दे। मैं भी खुले दिल से तैयार हो गया था, क्योंकि भगवान की दया से मेरे पास इतना तो था कि मैं उसका खर्चा उठा सकता था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो इतनी अजीब तरह की बच्ची होगी। वो तो मेरे गले की हड्डी बन चुकी थी, जो ना निगली जा रही थी और ना ही उगली जा रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिन और धैर्य रखूंगा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैंने सोचा कि मैं निशा की बहन के व्यवहार को देखता हूँ कि वो सुधरता भी है या नहीं। आज फिर अच्छे मन से मैं घर वापस लौटा। मैंने जो निशा को डांटा था उसका पछतावा मुझे था आज भी। सोचा घर जाकर दोनों से अच्छे से बात करूंगा और अगर होगा तो कहीं बाहर खाने के लिए चलेंगे। मैंने निशा पर गुस्सा भी तो किया था, वो भी तो आप मुझसे नाराज होगी ना। मुझे आज उसकी नाराजगी भी दूर करनी थी। घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मेरे कानों में सोनम की आवाज आ रही थी। वो अपनी बहन निशा को कह रही थी, अब देखो अब तुम्हें कैसे तलाक मिलता है, उसके बाद तुम वापस चलोगी और वहां सिर्फ तुम और मैं ही रहेंगे, किसी तीसरे की कोई जरूरत नहीं होगी। मुझे किसी भी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो पाती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निशा की बहन उससे ये क्या कह रही थी। निशा बेहद गुस्से में बोली कि अपनी बकवास को बंद करो। इतना बोलते ही सोनम जोर जोर से हंसने लगी। वो कहने लगी, अभी तो मेरे असली नाम से पुकारो, अभी तो तुम्हारा वो खड़ूस पति भी यहाँ नहीं है। मैं सुनकर हैरान हो गया कि कोई असली नाम भी है जो दोनों ने मुझसे छुपाया, पर क्यों?
मेरे दिमाग में तो ना जाने कितनी ही बातें आने लगी थी कि मेरे साथ कहीं कोई धोखा तो नहीं हो रहा। मुझे बेहद घुटन होने लगी थी। मैंने इस समय दरवाजा खोला और अंदर घर में चला गया। निशा ने मुझे देखा तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आई और बोली, आप आ गए, मुझे कितनी चिंता हो रही थी आपकी, आज इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में। निशा के चेहरे पर नाराजगी का नामो निशान नहीं था। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि उसकी बहन ने फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि तुम दूसरे आदमी से बात मत किया करो, ये मुझे हमेशा गुस्से से देखता है, तुम्हारा पति एक गंदा आदमी है। मैंने उसकी बहन से कहा कि क्यों बेटा, मैं भला आपको गुस्से में क्यों देखने लगा। मेरा इतना कहना था कि निशा एक बार फिर बोली कि समर, मैंने आपको कहा था ना कि आप इससे बातें मत किया करिए। निशा ने उसी समय अपनी बहन का हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में चली गई। मैं आंगन में ही चुपचाप खड़ा रह गया। अब मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जिसको मैं उसकी बहन का बचपना समझ रहा था, वो शायद उसकी चालाकी थी। आज मेरे दिल में उसकी बहन की वो हंसी गूंज रही थी। एक शक का बीज तो आ ही चुका था और मैंने सोच लिया था कि अब से मैं निशा के साथ थोड़ी सख्ती रखूंगा तो वो खुद ही मुझे सारा सच बता देगी। आज सुबह भी निशा हर रोज की तरह नाश्ता बना रही थी कि तभी अचानक रुक गई और मुझसे पूछने लगी कि समर, मैं आपसे उस दिन पूछना भूल गई थी कि सोनम के लिए स्कूल बैग क्यों लेकर आए थे आप। मैंने कहा वो परेशान रहती थी ना, तो मैंने सोचा कि अगर पढ़ाई दोबारा शुरू करेगी तो उसका भी मन लग जाएगा। तो निशा जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी, पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई, उसकी तो पढ़ाई में कभी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, इसलिए हमने उसका एडमिशन कराया ही नहीं। मुझे निशा की बात पर बेहद हैरानी हुई, लेकिन आज मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब था तो मैं किसी तरीके की कोई बहस नहीं करना चाहता था। मैंने चुपचाप अपना नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन अब मुझे उसकी बहन की मौजूदगी खटकने लगी थी। उसकी अजीब अजीब हरकतें करना, बिना मतलब रोने लगना और फिर यूं मेरी और अपनी बहन की तलाक की बात पर इतना ज्यादा खुश होना, क्या था ये सब कुछ? ये सब कुछ किसी छोटी बच्ची के लक्षण तो नहीं थे, और वैसे भी वो इतनी भी छोटी नहीं थी, 13 साल की लड़की थी। इतनी बड़ी लड़की बहुत समझदार और होशियार होती है। यकीनन यहाँ वो बात तो नहीं थी जो मुझे इतने दिनों से लग रही थी, बात कुछ और ही थी। आज पूरे दिन ऑफिस में मैं बस यही सब बातें सोच रहा था। शाम को जब घर पहुंचा तो फिर से निशा की बहन की वही हरकतें शुरू हो गई। जैसे ही मैं निशा से बात करने लगा तो वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद निशा उस कमरे से बाहर आई और उसने मुझे खाना दिया और ये बोलकर वापस अंदर चली गई कि अब खाना खा लीजिए। मैंने कहा कि तुम आ जाओ पहले, उसके बाद मैं खाऊंगा। तो वो कहने लगी कि नहीं, हम दोनों बहनें बाद में खा लेंगे, आप खा लीजिए और सो जाइए। मेरी बहन आज बहुत ज्यादा जिद कर रही है, आप कब तक मेरा इंतजार करेंगे यहाँ बैठकर। आज उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैंने खुद पर बहुत मुश्किल से काबू किया था। मैंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पहले उसे खिला दो, उसके बाद हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे, कुछ देर मेरे पास तो बैठो। निशा ने आज ऐसी बात कही थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी। वो कहने लगी कि आपको पता तो है वो कितनी जिद्दी है, बिना मतलब रो रो कर हंगामा मचा देगी, प्लीज आप मेरे लिए खाना खा लीजिए और जाकर आराम करिए। और ये कहकर वो अंदर कमरे में चली गई। जब निशा अंदर गई तो मुझे बाहर निशा की आवाज आ रही थी। वो अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि काश मम्मी पापा के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम तुम मेरी जिंदगी को नरक तो नहीं बना रही होती यहाँ बैठकर, तुम मेरी किस गुनाह की सजा हो। मुझे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने आज तक निशा को अपनी बहन से इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा था। मैं तुरंत उठा और मैंने दरवाजा खोला। मैंने उसी समय अंदर जाकर निशा की बहन की कलाई को पकड़ा, उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। आज मेरी बर्दाश्त की सीमा पार हो गई थी। निशा मेरे ऐसे व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। वो मेरे पीछे भागी और बोली, समर छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं आप इसके साथ। लेकिन सच तो ये था कि आज मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, अगर होश होता तो शायद मैं ये सब कुछ करता ही नहीं। मैंने उसकी बहन को एक कमरे में बंद कर दिया और निशा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आया और उससे पूछा कि अब बस बहुत हो गया, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हारी बहन आए दिन ऐसी हरकतें क्यों करती है, क्या परेशानी है उसे। मेरी बातों को सुनकर आज निशा का चेहरा पीला पड़ गया था और वो लगातार रोए जा रही थी। वो बोली, आपको भगवान की कसम प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, वो बेहद नरम दिल है, ऐसे तो वो डर के मारे ही मर जाएगी, वो मेरे बिना एक रात तो बहुत दूर की बात है एक पल भी नहीं बिता पाती। मैं इस समय निशा पर चिल्लाया और मैंने उससे पूछा, क्यों, आजकल के बच्चे तो इतने समझदार हैं कि वो अपनी माँ के बिना रह लेते हैं, तुम्हारी बहन किस तरीके की है जो तुम्हारे बिना वो रह नहीं पाती। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा,
हर चीज को बर्दाश्त करने की एक हद होती है और वो बर्दाश्त की सीमा आज मेरी पार हो चुकी है। मैं निशा को घूर कर देखा और मैंने कहा कि तुम भी अपना रोना धोना बंद करो, बहुत हो गया अब। निशा के कमरे से बाहर मैं गुस्से में आया और उस कमरे में भी मैंने कुंडी लगा दी। वो दोनों बहनें जोर जोर से दरवाजा बजाती रही, ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे को ही तोड़ देंगी। काफी समय हो गया था, सुबह होने से कुछ समय पहले दोनों ही कमरे में सन्नाटा छा गया। जब दोनों कमरे से आवाज आना बंद हो गई तो मुझे थोड़ा शक हुआ। गुस्सा खत्म हुआ तो होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं उठा और सबसे पहले निशा की बहन के कमरे का दरवाजा खोला और सोचा कि उससे माफी मांगू और उसे मैं निशा के पास ले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे तो हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वहां पर तो एक लड़का बैठा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे देखते ही चौंक गया और फिर दोबारा रोने लगा। आज मैंने उसे बहुत जोर से डांटा और कहा कि अपने फालतू के आंसू मेरे सामने तो तुम बहाना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुप हो जाओ एकदम। मुझे साफ साफ बताओ तुम कौन हो, ये क्या हाल बनाया हुआ है। वो रोते हुए बोला कि अगर मैं आपको अपनी हकीकत बता दूंगा तो आप मुझे बेच तो नहीं देंगे। मैं उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें भला क्यों बेचूंगा। वो लड़का मेरी बात से थोड़ा संतुष्ट हो गया और उसके बाद जाकर बिस्तर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी दिख रही थी मुझे। वो कहने लगा कि जब मैं पैदा हुआ था तो हमारे घर में तो जैसे मातम सा छा गया था, जैसे मैं पैदा नहीं हुआ बल्कि मर गया हूँ। मैंने बचपन से ही अपने चारों ओर जुल्म होते हुए देखा था। मेरे पापा मेरी माँ को अक्सर एक बड़े से डंडे से मारा करते थे, इतना मारते थे कि उनका शरीर नीला हो जाता था और हमेशा मेरी ओर इशारा करके कहते थे कि मुझे मंजूर होता अगर तू बांझ ही रह जाती, लेकिन ये क्या कर दिया तूने। पापा की ऐसी बातों को सुनकर अक्सर मैं आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता था तो हमेशा निशा दीदी कहती थी कि पापा की बातों पर तुम ध्यान मत दो, तुम तो बहुत प्यारे हो। मुझे अक्सर लगता था कि मेरी वजह से मेरी माँ को मार पड़ती है। जब भी मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते थे तो मैं भाग कर दीदी के पास जाता था और उनसे कुछ पैसे मांगता था, वो मुझे भी दे देती थी। मैं भागा भागा दुकान पर जाता और अपनी माँ के लिए उनकी पसंद की टॉफी ले आता था। वो टॉफी मैं अपनी माँ के मुंह में डालकर कहता, माँ लो मैं आपके लिए गोली लेकर आया हूँ, फटाफट खा लो, दर्द में आराम मिल जाएगा। वो मेरी ऐसी बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं बहुत छोटा था, समझ नहीं थी मुझ में। मेरी उम्र के सभी लड़के बाहर खेलते थे लेकिन ना जाने क्यों मेरा खेल में मन ही नहीं लगता था। सारा दिन मैं घर में बैठे बैठे अपनी माँ की रखवाली करता रहता था। मुझे डर था कि मैं जैसे ही यहाँ से हटूंगा मेरे पापा मेरी माँ को मारना शुरू कर देंगे। मैं अपने उन नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के बदन को दबाया करता था ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। अक्सर वो मेरे हाथों को अपने होठों पर लगाकर चूम लेती थी और माँ कहती थी कि मुझे इस मार से कोई तकलीफ नहीं होती, बेटा पर तुम्हारी हरकतों से होती है। मुझे समझ ही नहीं आता था कि माँ भी किस बारे में बोलती है। कुछ समय बाद माँ के पास कुछ पैसे जमा हो गए तो वो बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और एक गेंद लेकर आई। माँ कहती थी कि जाओ बाहर जाकर खेलो। उस साइकिल और गेंद को देखकर तो मैं बहुत खुश था। उस दिन मैं पूरे दिन धूप में साइकिल चलाता रहा। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी, मुझे कह रही थी कि बेटा आज तो मैंने तुम्हें धूप में साइकिल चलाने दी लेकिन कल से नहीं चलाने दूंगी। शाम को जब पापा आए तो उन्होंने मेरे पास साइकिल देखी। उन्होंने पहले तो मुझे दो थप्पड़ मारा और उसके बाद पूछा कि साइकिल कहाँ से लेकर आए हो। मैंने कहा माँ ने दिलाई है। पास रखी कुल्हाड़ी से साइकिल पर वार कर करके उन्होंने उसे तोड़ दी और उसके बाद जाकर उन्होंने माँ को बहुत मारा। इस तरीके से तो ना जाने कितने ही किस्से मेरी जिंदगी में आए हैं। एक दिन माँ मेरे पास आकर बैठी, बेहद उदास थी वो। उस दिन उनकी आंसू आंखों से झरझर के आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा आज मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। देखो तुम अब 7 साल के हो गए हो, समझदार हो। उसके बाद माँ ने मुझसे जो कुछ भी कहा उसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। वो पूछने लगी कि बेटा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है। मैंने कहा निशा। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैंने माँ को कहा पता नहीं माँ, पापा तो मुझे नीची जाति का कहते हैं और आप मुझे तारा कहती हो, अब इन दोनों में से मेरा कौन सा नाम है मुझे नहीं पता। माँ की आंखों से मेरी बातों को सुनकर आंसू बह रहे थे। देखो तुम 7 साल के हो गए हो पर आज तक भी मुझे तुम्हारा नाम समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रखूं, लड़कों वाला या लड़कियों वाला। उनकी बातों को सुनकर मेरे माथे पर बल आ गए थे। मैंने कहा लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है,
मैं तो लड़का हूं ना। मां ने ना में सर हिलाया। वो कहने लगी, बेटा ना तू लड़का है ना तू लड़की है, तू तो एक किन्नर है। अब मुझ जैसा 7 साल का बच्चा है उनकी इतनी बड़ी बातों को समझ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कह रही है और क्या कहना चाहती है। माँ कहने लगी कि मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर तू बाहर निकलेगा तो लोग तुझ पर हंसेंगे। आज से मैं तुम्हारा नाम सोनम रखती हूँ। तुम हमेशा फ्रॉक पहनोगे और घर के 4 दीवारी में ही रहोगे। तुम यहीं पर सुरक्षित रहोगे मेरे बच्चे। माँ का गला भर आया था। मैंने उन्हें कहा कि मुझे फ्रॉक नहीं पहननी, मैं लड़का हूँ। माँ कहने लगी, बेटा मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो तेरे हिस्से की हर तकलीफ मैं ले लेती, हर दर्द को अपना बना लेती। माँ ने ये कहकर रोते हुए मुझे अपने गले से लगा लिया। वो कह रही थी कि मैं जा रही हूँ। मैं उन्हें रोता हुआ कह रहा था कि मुझे भी जाना है आपके साथ, अब मुझे लेकर चलो। ना जाने माँ के गले से लगकर रोते हुए मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दीदी जोर जोर से रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो माँ तो सो रही थी। दीदी मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ चली गई। मैंने दीदी को उस दिन बहुत मारा था और बोला कि माँ सो रही है, अभी उठ जाएगी। दीदी मुझे उसी समय कमरे में ले गई और उन्होंने मुझे फ्रॉक पहना दी और कहने लगी कि तुम्हें याद है ना माँ ने कल तुम्हें कल क्या समझाया था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। दीदी से पैसे लेकर मैं आज भी दुकान पर गया था और माँ के लिए वो गोली ले आया। जब तक घर आया तब तक आस पड़ोस की सारी औरतें भी घर में आ गई थी। वो लोग माँ को चारपाई पर डालकर ले जा रही थी। मैं जोर जोर से रो रहा था कि अरे मेरी माँ सो रही है, अभी उठ जाएगी, मुझे उन्हें गोली तो खिलाने दो। पर कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। मैं माँ के पीछे पीछे भागता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कोई मेरी माँ को चारपाई से नीचे नहीं उतार रहा था। मेरी गोली तो मेरी जेब में ही रह गई। मैं माँ को खिला देता तो माँ उठ जाती। बहुत देर तक मैं रोता रहा पर मेरी माँ वापस नहीं लौटी। कुछ ही समय गुजरा था कि पापा भी चले गए। उसके बाद मुझे और दीदी को चाचा ने रख लिया। चाचा चाची भी मुझे पापा की तरह ही अक्सर मारा करते थे। चाची मुझे हमेशा धमकाती थी और मेरा मजाक बनाती थी कि तुम तो किन्नर हो, नाच कर दिखाओ। चाचा भी वहीं बैठे बैठे जोर जोर से हंसते थे। जब कभी मैं चाची की बात नहीं मानता था तो चाची मुझे कहती थी कि वो मुझे बेच देगी गुरु को। मैं बहुत डर जाता था। निशा दीदी ही थी जो मुझे बचा लेती थी। कुछ टाइम बाद निशा दीदी की शादी आपसे हुई। आपकी तरफ देखकर भी मुझे अक्सर डर लगता है कि कहीं आप मुझे उन गुरु के पास बेच तो नहीं दोगे। पर दीदी हमेशा कहती है कि आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। पर पता नहीं क्यों मुझे आपसे डर लगता है। अब तो आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो आप मुझे बता दो कि आप मुझे बेचोगे तो नहीं, आप मुझे ऐसे ही कमरे में बंद तो नहीं रखोगे। उस मासूम से बच्चे की बातों को सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं उठकर बाहर आया और निशा के कमरे का दरवाजा खोला। उसके कदमों में बैठकर मैंने उससे माफी मांगी। वो बहुत रो रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, आपने तो हम जैसे बेसहारा को सहारा दिया है। मैंने और निशा ने सोनम को मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखाया। वैसे तो उसके दिमाग से उसकी इन डरावनी यादों को निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर की मदद से धीरे धीरे ये हो जाए। मैं और निशा भी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं निशा की बहन का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगे आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।